चल आगे का टूर कर जल्दी। हे व्हाट्सअप गाइज, इट्स योर ललित, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज के ब्रांड न्यू ब्लॉग में हम जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम में, तो जल्दी चलते हैं वहां पे और बहुत कुछ हमें नया देखने को मिलेगा आज, तो जल्दी चलो और एंजॉय करो वीडियो को। तो गाइज, अब हम हो चुके हैं एंटर इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम में। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आ रखे हैं स्कूल से, और ये देखो हमारे पीछे पूरी मिसाइल है। तो अंदर हमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट दिखने वाले हैं जो अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको पूरा एक्सप्लोर करवाते हैं यहाँ का म्यूजियम। पूरी वीडियो अच्छे से देखना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अंकित, क्या करना? लाइक शेयर और सब्सक्राइब। हाँ, तो गाइज अब हम हो चुके हैं एंटर यहाँ पे। तो आप यहाँ का एक बार व्यू देखे यार, एकदम बॉम्ब व्यू है। चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या मिलता है। तो गाइस, अब हम यहाँ आ चुके हैं म्यूजियम की गैलरी वन में। तो यहाँ पे भाई सारी चीजें एकदम बॉम बॉम है। अभी मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। बढ़िया व्यू है यहाँ का, ये देखो पीछे पूरी गन्स और शॉर्ट्स रखी पड़ी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे बना रखे हैं अलग अलग रूम। ये देखो पीछे पूरे रूम स्टार्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पे हम थर्ड रूम के अंदर है और यहाँ पे अलग अलग चीजें लगी हुई है। हर रूम के अंदर अलग अलग चीजें लगा रखी है इनने। और यहाँ देखो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा। ये पीछे हमारे रखी हुई है मिसाइल। तो भाई देखो अभी हम कहाँ आ रखे हैं। ये देखो भाई सारे के सारे एयरक्राफ्ट्स। तो भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ टॉप व्यू से जाके। तो भाई अब हम यहाँ आ चुके हैं यहाँ की टॉप गैलरी पर, और यहाँ पे सारी हिस्टोरिक पिक्चर्स लगी हुई है। और यहाँ से देखो नीचे का व्यू। ओ भाई सारे के सारे एयरक्राफ्ट सारे दिख रहे हैं। और गाइज यहाँ पे लगा हुआ है कि स्टैचू, और उधर खड़ी है एक कार। तो अभी नीचे आके देखते हैं वो। तो गाइज ये जो स्टैचू है ये निर्मलजीत सिंह का, जो फ्लाइंग ऑफिसर थे, तो अब वो नहीं है। और मैं आपको अब दिखाता हूँ वहाँ जो कार पार्क है वो किसकी है और क्यों खड़ी है। तो गाइज ये है वो कार जो हमेशा यहाँ खड़ी रहती है। तो ये फोर्ड कंपनी की कार है। तो गाइज ये इसलिए यहाँ खड़ी रहती है क्योंकि ये एयरफोर्स के जो चीफ थे बड़े बड़े, वो इसे यूज़ करते थे, और फिर बाद में उनने इंडियन एयरफोर्स को डोनेट कर दी थी ये कार। तो गाइज इसलिए ये स्पेशल कार है, और ये सब एयरक्राफ्ट्स के बीच में लगी हुई है। तो गाइज ये देख रहे हो यहाँ पे टूटे फूटे पार्ट्स पड़े हुए हैं एयरक्राफ्ट्स के। बहुत मज़ा आ रहा है, घूमने वाली जगह है। आओ यार एक बार, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो गाइज यहाँ का हर एक एयरक्राफ्ट कुछ ना कुछ रीजन से यहाँ खड़ा हुआ है, और
यहाँ पे इतने सारे एयरक्राफ्ट खड़े हैं, जो भी इनकी हिस्ट्री है ये बोर्ड्स में लिखी हुई है, ब्लू कलर के बोर्ड लगा रखे हैं जो। बाकी गाइस बहुत बढ़िया जगह है घूमने के लिए, सारे के सारे बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स लगे हुए हैं और वहाँ पे गैलरी और है, वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस अब चल रहे हैं इधर, यहाँ में बहुत बड़ा एरोप्लेन दिख रहा है, तो अभी चल के देखते हैं कि क्या है ये। भाई कितना बड़ा है, भाई बहुत बड़ा है यार, सारे बड़े बड़े खड़े हैं यहाँ पे बाहर आउटडोर में। और ये वाला भी बहुत बड़ा है यार, और ये वाला देखो यार कितना मोटा है। तो गाइस इसका नाम है पैकेट, और वैसे दिखता है हाथी की तरह है। और ये वाले देखो यार, ये वाला सबसे बड़ा है भाई, कितना बड़ा प्लेन है, और इस प्लेन का नाम है राजदूत। तो गाइस हमें यहाँ पीछे देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये एक पड़ा हुआ है हेलीकॉप्टर, और एक यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो गाइस हमारे पीछे गैलरी 2 और गैलरी 3 अभी चल रहे हैं, गैलरी 2 में, और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या चल रहा है। शौचालय चले, दो यूनिफॉर्म यहाँ पे, और बाकी ये पेंटिंग्स है। और गाइस ये है रेडार, तो गाइस यहाँ है यूनिफॉर्म चीफ की, यहाँ पे भी पेंटिंग्स है जो बनाई हुई है हाथों से। और ये भी है यूनिफॉर्म, हेलमेट है पता नहीं किसका। तो गाइस ये है यहाँ पे मिसाइल, और यहाँ पे भी एक रॉकेट है। तो गाइस यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स बनी हुई है सारी हाथों से बनाई हुई है, और उसके नीचे जिनने बनाई है उसके नाम भी लिखे हुए हैं और नंबर। चलो चल सेंटर, इसकी फोटो भाई पुराने जमाने का फोन है पूरा, बढ़िया वाला कैमरा है भाई। तो गाइज हम घुसे थे गैलरी 2 से और हम निकल रहे हैं अब गैलरी 3 से। तो गाइज ये भी हमने पूरा देख लिया है और मैंने आपको दिखा दिया है। तो गाइज अब कर लिया हमने पूरा म्यूजियम एक्सप्लोर, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम एग्जिट हो रहे हैं हमने और हम गए थे यहाँ से और आए हैं यहाँ से। तो गाइज आप करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म, अब मैं मिलूँगा तुम्हें अगले ब्लॉग में। तो गाइज टिल देन बाय, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपको अब म्यूजियम वाले ब्लॉग मिलते रहेंगे, और गाइज बहुत मज़ा आया, आप भी आके एक बार विजिट करो, बहुत मज़ा आएगा। अब चल रहे हैं गाइज, बाय।